श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा थे, बंगाली संत थे, ये मदन मोहन जी का मंदिर है ना पुराना, इस क्षेत्र में रहते थे, मदन मोहन जी के जो सूरज घाट मदन मोहन जी का मंदिर इसी क्षेत्र में वो संत रहते थे, सियाजू राम बाबा, बंगाल का शरीर था, हिंदी टूटी फूटी बोलते थे, बंगाली भाषा में ही ज्यादा बातचीत, बंगला भाषा में ही बातचीत करते थे। आपने दर्शन किया सियाजू राम बाबा, वो एक महात्मा बता रहे हैं, और बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे, 18-18 घंटे उनकी माला चलती थी हमेशा, बड़े नाम प्रेमी थे। हम समझते हैं मुश्किल से 2-4 घंटे विश्राम में जाते हों तो जाते, अहर्निश माला, सोते समय भी माला उनकी चलती थी। अच्छे संत हमारे महाराज जी के निकट आते थे और सियाजू राम ऐसे बोल के जपते थे, उच्चारण पूर्वक जपते थे, और दर्शन भी करते थे। रोज उनका का पहले जब समर्थ थे तो रोज बिहारी जी, वहां मदन मोहन जी के पास बिहारी जी पढ़ते, बिहारी जी दर्शन करते, और बिहारी जी से फिर राधा वल्लभ जी आते, फिर राधा वल्लभ जी से फिर रसिक बिहारी आते, रसिक बिहारी से फिर राधा रमण आते, राधा रमण से फिर कुटिया के ठाकुर जी का दर्शन करके महाराज जी का दर्शन करते, प्राय उनका नियम था। अब फिर अपने आसन पर लौट जाते, रोज उनका एक घूमना फिरना भी हो जाता और जमुना जी का आचमन भी हो जाता, वो प्राय आते। तो बिहारी जी का दर्शन करते कहते, जय हो अमार अवध बिहारी लाल, मंगला मूल, हमारे अवध बिहारी लाल कितनी सुंदर आपकी झांकी, लोगों ने उनकी चिड़ निकाल ली थी, गुसाई लोग कहते बाबा क्या बोलता है अवध बिहारी लाल, हाँ अवध बिहारी लाल देखो ना बिल्कुल सामने खड़े हैं धनुष बाण लेकर। फिर राधा वल्लभ लाल आते तो लोग पूछते, गुसाई लोग सब जानते थे प्रेमी महात्मा है नाम जापक, तो राधा वल्लभ भी गुसाई ही पूछते, बाबा ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, आंख में आंसू हो रहे, जय हो श्री जानकी वल्लभ लाल जी की जय हो, हमारे जानकी वल्लभ लाल जी की क्या प्यारी झांकी। राधा रमण आते रोज आते दर्शन करने, जय जय श्री जानकी रमण लाल जी की जय हो। कोई बनावटीपन नहीं, उनके चित्त में ऐसा मतलब भगवान का स्वरूप और नाम ऐसा बसा था कि सर्वत्र उन्हें श्री ठाकुर जी दिखाई पड़ते। एक दिन एक ब्रजवासी पीछे पड़ गया सियाजू राम बाबा, यहां वृंदावन में रह के सियाजू राम रटे, चलो जा अयोध्या, बड़ो आयो भजन करवे बारो, यहां तेरी बापोती है का, बाबा पहले तो भजन करते रहे, ज्यादा पीछे पड़े, हाँ हमारी बापोती है, कैसे, बोले सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट रघुनाथ जी हैं, और उनके छोटे भैया शत्रुघ्न लाल जी उनका राज्य ब्रज में है, तू भागवत बांचे तो पतोना है, भागवत में लिख रही है, शत्रुघ्नस्य मधो पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुवने चक्रे मथुराम नाम वैपुरीम, लवणासुर का वध करके शत्रुघ्न लाल जी ने मथुरापुरी बसाई, ब्रज बसाने वाले तो हमारे शत्रुघ्न लाल जी हैं, अपने चाचा जी के यहां रहते, ठाकुर जी के प्रति पिता माता का भाव था, बोले इसलिए तुम हमको भगाने की कोशिश मत करो, हम अपने चाचा जी के यहां रहते हैं, शत्रुघ्न जी को चाचा जी कहते, चाचा जी के यहां रहते हैं, तो क्यों रहते चाचा जी के यहां, तो हमने सुना है महाराज जी सुनाते थे, इतना सुनते ही सियाजू राम बाबा रोने लगे और बोले हमारे चाचा शत्रुघ्न लाल जी सरकार की आज्ञा से यहां है तो सही, पर बड़े दुखी रहते हैं, राम जी का वियोग उन्हें व्यथित करता है, तो मैं उन्हें सियाजू राम नाम सुनाकर उनके वियोग के कष्ट को दूर करने के लिए यहां रहता हूं। महाराज जी भाव ही तो सब कुछ है, और वे संत साल में एक बार अयोध्या जाते थे, एक बार साल रामनवमी के समय जाते, नवरात्रि शुरू होने के पहले चले जाते, और रामनवमी होते ही वहां से फिर वो एक दो दिन पीछे, रामनवमी की भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है,
रामनवमी करके अयोध्या जी की, फिर आकर भद्रमोहन जी के घेरा में रहते और बस और कहीं जाना ना नहीं। वृंदावन साल में एक बार अयोध्या, अयोध्या से पुनः वृंदावन। एक बार वो बीमार हो गए, उनके पैरों पर मुख पर सूजन आ गई, महाराज जी के पास आए, बोले महाराज हमारा अयोध्या जाने का नियम है। महाराज जी बोले अब रहन दो, असक्त हो गया शरीर चलने फिरने में, शरीर में सूजन है, क्या करोगे वहां तक जाके। नहीं नहीं महाराज हमारा नियम है, किसी साधु को भेज दीजिए। महाराज जी ने एक महात्मा को भेज दिया और उन्होंने रुपया लेके आए थे। कितना रुपया था? 5000 रुपया था उनके पास। बोले महाराज बचपन में घर क्या, बस इतनी पूंजी है और थोड़ा सा किराए भाड़े का रुपया रखा है, बाकी ये हमारी जीवन भर की पूंजी यही है। हमको लगता है कि अब की बार हम अयोध्या जाकर लौट कर नहीं आएंगे, हमारा शरीर छूट जाएगा, तो आप हरिनाम संकीर्तन करा देना यहां, बस भोज भंडारा नहीं। बोले बस वैष्णवों को बुला के कीर्तन करा देना, इस कीर्तन के लिए राशि देके जा रहे हैं। महाराज जी ने संत को भेजा, वहां ये पहुंचे, ठीक राम पहले पहुंच गए नवरात्रि के पहले, और वहां रोज उस अवस्था में रिक्शा में बैठ के सरयू जी जाना, सरयू स्नान करना, और महाराज अष्टमी तिथि, नहीं नहीं नवमी, रामनवमी, रामनवमी को सरयू जी स्नान करके आए, वो कहां किस स्थान में रुके थे, और आकर के उन्होंने अपने शालिग्राम जी को कहा, रामचंद्र है? जी जी हाँ, महाराज के रामर्षण कुंज में, तो आपने शालिग्राम जी को स्नान कराया महाराज रामनवमी का दिन, और स्नान करा के चरणामृत लिया, चंदन चढ़ाया, और एक संतरा भोग लगाया और एक दो कली चूसी, फिर हाथ धोके सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम, और बोले आज तो बस बढ़िया रामनवमी मनानी है, और बस सियाजू राम करते करते माला जपते जपते भगवत धाम चले गए रामनवमी के। मैंने आरती करने नित्य साकेत चले गए ठाकुर जी का अभिषेक आरती करने। बाद में महाराज जी ने उनके निमित्त 9 दिन का अखंड कीर्तन करवाया, और 5000 रुपए जिन महात्मा ने जमा किए थे, कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्च करके महाराज जी ने उनका विशाल उत्सव मनवाया। ओ जरा भंडारा हुआ, ओ जोरदार उत्सव हुआ।